करमवीर उर्फ करम मथुरा का रहने वाला एक लड़का है और जगराता कलाकार के रूप में काम करता है। उसके पास एक महिला की आवाज पूरी तरह से पेश करने की विशेषता है। करम के पिता जगजीत सिंह कई कर्ज लेने के बाद भारी कर्ज में डूब गए और उन्हें चुकाने में असमर्थ हैं। करम एक अमीर परिवार की वकील लड़की परी श्रीवास्तव से प्यार करता है। परी के पिता जयपाल श्रीवास्तव का कहना है कि वो परी की शादी करम से तभी करेंगे जब वो 6 महीने के अंदर अच्छी नौकरी पा लेंगे। जल्दी पैसा कमाने के लिए करम पूजा नाम की एक महिला का भेष धारण कर लेता है और सोना भाई के एक बार में डांसर बन जाता है। परी इस बात से अनजान रहती है। करम की सबसे अच्छी दोस्ती समाइली ढिल्लन से है। समाइली ढिल्लन अबू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है। अबू का कहना है कि वो अपने बेटे शाहरुख सलीम की शादी के बाद ही सकीना की शादी करेगा। 6 महीने पहले अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद शाहरुख डिप्रेशन में है। अबू का कहना है जो शख्स शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा वो उसे 10 लाख रुपए इनाम देंगे। समाइली ने करम से पूजा बनने और शाहरुख का इलाज करने का अनुरोध किया। पूजा के रूप में करम शाहरुख को खुश करने में कामयाब हो जाता है। अब अब्बू बहुत खुश है और कहता है कि वो चाहता है कि पूजा शाहरुख की दुल्हन बन जाए। और शाहरुख के व्हील चेयर पर रहने वाले दादा यूसुफ अली सलीम खान कहते हैं कि वो पूजा को रुपये देंगे। शाहरुख से शादी करने के बाद करम को 50 लाख रुपए मिलेंगे। करम बहुत सारा पैसा कमाने का अवसर देखकर शादी करने का फैसला करता है। सोचता है कि बाद में फिर फरार हो जाएगा। शादी के बाद पहली रात यूसुफ पूजा को एक आदमी की तरह पेशाब करते हुए देखता है और सदमे में मर जाता है। इसके बाद अबू का कहना है कि उनकी घर की परंपरा के अनुसार जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है अगले 6 महीनों तक परिवार का कोई भी सदस्य शादी नहीं कर सकता। समाइली स्कीना से शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा मरने से पहले यूसुफ ने दीवार पर एक संदेश लिखा था जिसमें लिखा था कि बहू लड़का। सभी घर वालों को ये लगता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि घर की नई बहू एक बच्चे को जन्म दे। इसके बाद पूजा पर गर्भवती होने का दबाव पड़ता है। इसके बाद पूजा डांस बार में नहीं जा सकती लेकिन सोना भाई उसे फोन करके काम पर वापस आने के लिए कहते हैं और सोना भाई ये भी कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं ताकि तलाक के बाद उसके बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। बीच अब्बू को गलतफहमी हो जाती है कि करम वास्तव में पूजा का भाई है। एक रात शाहरुख के साथ सैन कक्ष में पूजा की विग खुल जाती है जिसमें करम का चेहरा उजागर हो जाता है। शाहरुख हैरान हो जाता है और खुलासा करता है कि वास्तव में वो एक लड़के से दोस्ती करता था और उसी से शादी करना चाहता था लेकिन अब्बू ने जबरदस्ती उसके प्रेमी से उसका ब्रेकअप करवा दिया ताकि वो किसी लड़की से शादी कर सके। शाहरुख करम का चेहरा अपने परिवार से छिपाकर रखता है क्योंकि पूजा कभी गर्भवती नहीं हो सकती। अब्बू उसे बेबी बाबा के पास ले जाता है जो एक गुरु है और जो चमत्कारी ढंग से महिलाओं को गर्भवती करता था। पूजा और शाहरुख को एक पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगवाने के लिए कहते हैं। ऐसे करते समय पूजा भाग जाती है जिससे सभी को लगता है कि वो डूबने से मर गई। इसके बाद करम को पता चलता है कि परी किसी दूसरे आदमी से शादी कर रही है। वो शादी समारोह में भाग लेता है और वहाँ पूजा बनकर डांस करता है। इसके बाद परी को सच्चाई का एहसास होता है। बाद में करम उन सभी कठिनाइयों के बारे में बताता है जिसका उसने सामना किया था। बाकी सभी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सारा भ्रम दूर हो जाता है। उसके बाद सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसी समारोह में करम और परी की शादी करवा देते हैं।